अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। पहेली एंड भोजू वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और भोजू बहुत सारी जगहों पे छुट्टियां मनाने गए। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। और एक ट्रिप जो उनकी थी वो रिवर गंगा की दरियाए गंगा पे थी, दरियाए गंगा की तरफ गए थे। क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, वो हिमालय के पहाड़ों पे चढ़े। इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंड थी। दे सॉ मेनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, उन्होंने बहुत किस्म के दरख्त भी इन पहाड़ों पे देखे। ओक पाइन एंड ड्यूदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम्स ऑन द प्लेन्स। ओक था वहाँ, पाइन्स थे और ड्यूदार के दरख्त थे, और वो बिल्कुल मुख्तलफ थे उन दरख्तों से जो कि उनके अपने घर के आसपास थे। इन गेट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान, ए मूड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और दूसरी ट्रिप वो जो थी उनकी वो राजस्थान में थी, वो राजस्थान गए थे जहाँ पे वो कैमल्स के ऊंट के ऊपर चढ़े और हॉट डेजर्ट जो है वहाँ पे जो बहुत गर्म रेगिस्तान है वहाँ गए थे। कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे कैक्टस प्लांट भी लाए। फाइनली दे वेंट ऑन द ट्रिप टू पूरी, और फिर उनकी जो ट्रिप थी वो पूरी थी, वो पूरी गए थे एंड विजिटेड द सी बीच, जहाँ उन्होंने समुन्दर का किनारा जो था वो देखा। डॉटेड विद कॉसेरिना ट्रीज वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फंड्स दैट हैड ऑन दीज ट्रिप्स ए थॉट स्ट्रक देम, जब उन्होंने वो सोचने लगे वो सारी जगहों के बारे में तो कुछ सोचे उनके दिमाग में आई। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, उन्होंने सोचा कि ये सब जगह एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं। समवेयर कोल्ड, कुछ जगह ठंड है। समवेयर हॉट, कुछ जगह बहुत गर्मी है। एंड ड्राई, इन सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ जगह जो है वो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर वाली हैं। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड, और बहुत इन जगहों पे अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स भी हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, वो सोचने लगे कि दुनिया पे ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे कोई भी जिंदा चीज नहीं होगी। बोजू थॉट ऑफ द प्लेस नियर हिज होम इन साइड द हाउस, ही ट्राइड द कबर्ड, ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेयर। बोजू ने अपने घर के आसपास देखा, अपने घर के अंदर देखा, अपने कबर्ड्स में देखा, उसने सोचा शायद यहाँ पे कोई जानदार चीज ना हो। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड, लेकिन उसने कबर्ड में भी एक छोटा सा स्पाइडर देखा। आउटसाइड द होम टू दे देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर, घर के बाहर भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे उसे जिंदा चीजें, जानदार चीजें ना मिलती। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, पहेली दूर दूर की जगहों के बारे में पढ़ने लगी। शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज, उसने ये भी पढ़ा कि लोगों ने वॉल्केनोज के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे हैं। तो बच्चों आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।